नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच निबंध लिखने की एक ऐसी कला आप सभी को बताने वाली हूँ जो कि निश्चित रूप से आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं निबंध लिखने में तो अवश्य ही आप सभी बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आप सभी को बताया कि यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता के लिए निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चूंकि उसमें 3 प्रकार का निबंध होता है, इसलिए मेरे द्वारा आप सभी को अपने पूर्व के वीडियो में आप सभी को 3 प्रकार से निबंध लिखने की कला से अवगत कराया गया कि कैसे आप 3 प्रकार के निबंध के माध्यम से आप सभी अपने बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। तो आज के इस निबंध के क्लास में जो मैं निबंध का क्लास लेने वाली हूँ वह न सिर्फ समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, बल्कि IAS PCS के साथ साथ तमाम प्रकार की जो वनडे एग्जाम है उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। यदि आप इस तकनीक का प्रयोग करते हैं निबंध लेखन में तो अवश्य ही आप बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के निबंध का विषय क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि आज का जो विषय है वह बेहद खास विषय है, क्योंकि आज का जो निबंध है वह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। जी हाँ साथियों, आज का जो विषय निबंध का वह है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, कि किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप निबंध लिखेंगे और आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो इस क्लास में मैं आप सभी को Type 1 प्रकार के निबंध लिखने के बारे में बता रही हूँ, जिसमें आप सभी को मैं एक सकारात्मक स्लोगन के माध्यम से निबंध लिखने की बारे में जानकारी दूंगी। और जो विषय सामग्री होगा वह आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं और इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगी, जो कि सीमा गुप्ता UP सेक्रेटरीट लखनऊ के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो अवश्य ही टेलीग्राम में आप वो विषय सामग्री प्राप्त करेंगी। तो आइए जानते हैं कि हम निबंध कैसे लिखें। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप टेलीग्राम पर विषय सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप निबंध लिखने में कुछ न कुछ कमियां कर जाएंगे। इसलिए आप अवश्य ही निबंध के इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुने कि मेरे द्वारा क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में रुक कर मैं आपको कुछ व्याख्या भी करूंगी ताकि आपके निबंध लेखन में क्वालिटी जो है वो और भी बढ़ सके। क्योंकि आप बस विषय सामग्री पढ़ लेंगे तो उसे बेहतर अंक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप निबंध रट रट कर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि यह होता है व्यक्तित्व का परीक्षण। निबंध जो मैं आपको विषय सामग्री उपलब्ध कराऊँ बस वह एक ढांचा है कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं Type 1 प्रकार के जो निबंध है वह। तो मैं जो पहला निबंध का प्रकार बता रही हूँ उसमें साफ साफ पहली आप शुरुआत करेंगे, जन जन ने यह ठाना है पर्यावरण को अब बचाना है। निबंध की यह शुरुआत करेंगे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, तो आप पहले ही लाइन लिखेंगे जन जन ने यह ठाना है पर्यावरण को बचाना है, अथवा आप यह लाइन यूज कर सकते हैं पर्यावरण का अब करना होगा संरक्षण, पर्यावरण का अब करना होगा संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर लेगा हम सब का भक्षण। ठीक, अर्थात इस टाइप एक प्रकार के निबंध में आप शुरुआत लाइन से किए, एक ऐसी संदेशदायक लाइन से जो हमें 2 लाइन में सब कुछ बता देता है। आप देख रहे होंगे पर्यावरण का अब करना होगा संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर लेगा हम सबका भक्षण। इस 2 लाइन में बहुत चीजें बता दिया जा रहा है। तो ये आप Type 1 प्रकार के ऐसे को आरंभ कर सकते हैं। अब आगे हम क्या लिखेंगे, तो ये आप 2 लाइन लिखिए, उसके बाद आप सीधे लिखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन की तमाम आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण हमें जीवन भर निस्वार्थ भाव से हमारे सुख समृद्धि एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, साथ ही हमारे समाज एवं देश के हितों के लिए लगातार कार्य करता है। बावजूद हम सभी लगातार पर्यावरण का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। देखिए साथियों, आप जब भी पर्यावरण लिखेंगे या किसी भी निबंध के टॉपिक पर, तो आपके लेखन शैली ऐसा होना चाहिए कि लेखन शैली में जैसे लगे कि आप किसी से वार्ता कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में गहन जानकारी रख रहे हैं और एक वार्ता के शैली में आप
लिख रहे हैं, समझाने के शैली में आप लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अवगत करा रहे हैं कि आज पर्यावरण की समस्या क्यों विकराल है और क्यों इसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो आपको मैं अपने पहले पैराग्राफ के माध्यम से बताई कि क्यों जानना जरूरी है। दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा है, क्या इस प्रकार का दोहन उचित है? किस प्रकार का पर्यावरण से संबंधित तत्वों का, क्या इस प्रकार का दोहन उचित है? क्या हम यूं ही पर्यावरण का दोहन करेंगे तो क्या हम आने वाले समय में अपनी सुख समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? साथियों, आप सभी से यह भी कहना है कि जब मैं आप सभी को यह क्लास ले रही हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप चाहे तो इसको पेन से लिख भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे मेरे बताने के क्रम में, तो एक उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप सभी को बताऊं कि जब भी मैं क्लास करती थी तो हमारे अध्यापक द्वारा जो भी पढ़ाया जाता तो मैं उसे अवश्य ही लिखती थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उस क्लास से आप अप टू डेट रहते हैं, अब बीच बीच में जो समझाया जाता है उसके संबंध में आपको अच्छे से ज्ञान होता है। तो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊँगी, बीच बीच में समझाऊँगी, फिर लास्ट में एक बार पूरा इस सारे हिस्से को आप सभी के सामने सुनाऊंगी पढ़कर, ताकि कहीं से कोई तारतम्यता न छूटे। और यदि आपका कोई छूट गया है तो वीडियो आपको आप फिर से रिवर्स करके उसको रीड कर सकते हैं। क्या इस प्रकार का दोहन उचित है? क्या हम यूं ही पर्यावरण का दोहन करेंगे तो क्या हम आने वाले समय में अपने सुख समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? एक समय था कि हम निःशुल्क स्वच्छ जल का सेवन कहीं पर भी कर लिया करते थे, और अब स्वच्छ जल के लिए हमें अपना धन व्यय करना पड़ रहा है। यूं ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में हमें स्वच्छ वायु लेने के लिए धन व्यय नहीं करना होगा? अर्थात मैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा की हूँ कि पर्यावरण किस प्रकार हम सभी के लिए बेहद खास है, और एक समय था कि हम कहीं पर भी स्वच्छ जल का सेवन कर लेते थे, लेकिन आज हम स्वच्छ जल के लिए हमें अपने धन को व्यय करना पड़ रहा है। अब हम बोतल को खरीद रहे हैं, जो पानी का जो बॉटल होता है उसको हम ले रहे हैं ताकि हम पानी का सेवन कर सके। तो वह दिन दूर नहीं है कि यदि हम पर्यावरण का संरक्षण न करें तो आने वाले समय में स्वच्छ वायु के लिए हम सभी को कोई मशीन लगाना पड़े। जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण का दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो क्या यह विषय चिंतनीय हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? तमाम इस प्रकार के प्रश्न मन में उमड़ रहे हैं, जिससे एक भय उत्पन्न हो रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह विषय सोचनीय है। आज वह वक्त हमारे पास दरवाजा खटखटा रहा है कि यदि अब हम नहीं संभलेंगे तो कल हमें संभलने का समय नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे मैं रुक कर एक फिर दो लाइन का स्लोगन बनाई हूँ, वह है, पर्यावरण का आओ करे संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा हम सबका बच्चा। अब फिर अगले पैराग्राफ में मैं स्टार्ट की हूँ, अब वक्त आ गया है कि हम प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पैनी नज़रों के द्वारा कार्य करें, उन सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करें जिन कारणों से पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों की चिमनियों, फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलते धुआं, दफ्तरों, घर में विविध उपकरणों से निकलने वाले गर्म वाष्प, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा, ताप बिजली घर, उपभोक्ता वाली संस्कृति के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों के कारण वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में मैं आपको जो कुछ समस्याएं बताई, दूसरा उन सभी गैसों के बारे में प्रकाश डाली जो प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इस पैराग्राफ में कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि आप किसी फैक्ट को बता रहे हैं, बल्कि एक चर्चा के क्रम में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और सारा फैक्ट भी आप दर्शा दिए। अब आगे देखिए, बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु वन विनाश, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि, अब देखिए आगे वाले पैराग्राफ में मेरे द्वारा इसके प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि आज लगातार वैश्विक तापमान वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि से बाढ़, भूस्खलन, भूमि अपरदन जैसी समस्या के साथ जल की गुणवत्ता व आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। जल स्रोतों के वितरण पर लगातार गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के जल स्रोतों की अधिकता देखी जा रही है, तो मध्य एशिया के निम्न अक्षांशों में जल की कमी अभी से दिखनी आरंभ हो गई है।
लगातार हमारे द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से वनों के अतिरिक्त दोहन के कारण जीवों के संरक्षण में कमी, उनके विलुप्त होने तथा नए जीवों में प्रवेश से जैव विविधता में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना होता है। मानव द्वारा परिस्थितिकी के अनुकूल गतिविधियों को संचालित नहीं करने के कारण निकट भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या काल का गाल बनेगा। फिर मैं लिखी हूँ, कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, ये भी एक स्लोगन है। कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो हम बेकार मौत मरेंगे। अब आगे पैराग्राफ में लिखी हूँ, कुल मिलाकर आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं हमारी स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन शैली भरे प्रदूषण ने धरती मैया को लगातार दीमक की तरह खोखला बना रहा है। यदि हम सचेत नहीं हुए तो फिर हमें दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। इस पैराग्राफ के माध्यम से मैं एग्जामिनर को यह संदेश दी कि मुझे प्रदूषण के समस्त प्रकार की जानकारी है, ठीक, लेकिन मैं तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत भी नहीं की। अर्थात मुझे यह जानकारी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्लस कुछ जो नवीन प्रदूषण के प्रकार हैं जो कि हमारे स्वार्थवश उत्पन्न हुए, उसके बारे में मैं शब्दों के माध्यम से एक ऐसा व्याख्यान के रूप में लिखी कि मैं यह भी मैसेज दे दी कि मुझे प्रदूषण के बारे में समस्त जानकारी है और साथ में इसका विश्लेषणात्मक अभिलेख जो थे वो भी उपलब्ध करा दी। अब आगे देखिए कि आगे क्या लिखा जाता है। हम सबको आज ही अपने आप से यह शपथ लेना होगा और साथ में एक संदेश दी कि हम कैसे कार्य करें, ठीक। तो हम लिखे हैं कि हम सबको आज ही अपने आप से यह शपथ लेना होगा कि पर्यावरण को हम सब मिलकर रखेंगे स्वच्छ और प्रदूषण का करेंगे अंत। हर्ष की बात है कि आज पर्यावरण प्रदूषण समस्या को दूर करने के लिए विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत द्वारा समग्र प्रयास किया जा रहा है। अब अगले पैराग्राफ में मैं आपको विश्व के देशों द्वारा, क्षेत्रीय संगठनों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और साथ में भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है इसके संबंध में मैं अगले कुछ पैराग्राफ में प्रकाश डालने वाली हूँ। तो देखिए क्या लिखी हूँ, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण समझौता, वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय आर्थिक राजनीतिक संघों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आज विश्व के देश चाहे वह विकसित हो अथवा विकासशील ग्रीन तकनीक को तरजीह दे रहे हैं, वहीं प्रदूषण की समस्या से लगातार अवगत हो रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में हमारे देश भारत का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में कदम उठाया गया है कि ताकि पर्यावरण संरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण व निवारण अधिनियम, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य समेत तमाम कानून, नियम, अधिनियम, योजना, कार्यक्रम, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है तथा किया जा रहा है ताकि हम इस विकराल समस्या से निपट सके। नीति आयोग द्वारा लगातार प्रदूषण समस्या को दूर करने के लिए अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार तथा तमाम राज्य सरकारों द्वारा बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जो स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया के साथ साथ तमाम प्रकार की ऐसी योजनाओं को फॉलो कर रहे हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित है, उनको भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तरजीह दी जा रही है। साथ ही साथ आज भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तमाम स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन समेत उन तमाम समितियों, संस्थाओं, फाउंडेशन आदि को पुष्पित पल्लवित करने का अवसर दिया जा रहा है जो पर्यावरण के सतत विकास पर कार्य कर रहे हैं। भारत विश्व का वह अद्भुत देश है जहां पर प्रथम बार पर्यावरण संरक्षण के लिए मंत्रालय बनाया गया, राज्य सरकार द्वारा अनेक विभाग बनाए गए, ठीक। हर्ष की बात है कि आज प्रत्येक देशवासी पर्यावरण समस्या को जानने समझने लगे हैं कि कैसे लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अब जरूरत है हम सभी को जागरूक होना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमें अब प्रत्येक दशा में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जन जन को यह संदेश भी देना होगा कि आओ एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, एक एक जल के बूंद को हम बचाएंगे, सबके जीवन को सुरक्षित बनाएंगे, शोर शराबा नहीं मचाएंगे, हम सब ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाएंगे, वायु प्रदूषण को दूर भगाएंगे, अपने देश में पर्यावरण भविष्य को सुरक्षित
बनाएंगे। देखिए किस प्रकार इस निबंध को का जो अंत है एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी पक्षों को शामिल करते हुए किया जा रहा है और एक अच्छी लाइन से सभी प्रकार के प्रदूषण को दूर करने का एक संकल्प हम सभी के द्वारा लिया जा रहा है उसके संबंध में इसमें बताया गया है। अब जो अंत आप करेंगे वो अंत का क्या प्रारूप है वह मैं अब आपको बताने वाली हूँ। कुल मिलाकर हमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर न सिर्फ बल देना होगा बल्कि आज जनता को इन नियमों आदि के बारे में जागरूक करके सतत विकास की संकल्पना को साकार करना होगा। वह दिन दूर नहीं है जब हम पर्यावरण संरक्षण संदेश को जन जन तक उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण को चरितार्थ करेंगे। तो साथियों आपको इस क्लास के माध्यम से मैंने बताया कि मैंने किस किस पॉइंट को कैसे कवरअप किया है कि एक बेहतर निबंध आपके द्वारा लिखा जा सके। और इस क्लास के माध्यम से मैं बीच बीच में आपको यह बताने का प्रयास की कि कैसे मेरे द्वारा कुछ सकारात्मक लाइनों के माध्यम से एक व्यापक दृष्टिकोण एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत किया गया कि मेरे भीतर वह क्षमता है कि यदि मैं प्रशासक या साधक बनती हूँ तो निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी मुझे दायित्व दिए जाते हैं उसका मैं निर्वहन करूँगी। और यदि प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए मुझे कार्य दायित्व सौंपा गया तो उसे मैं कैसे अपनी ऊर्जा के साथ उसे दूर करने का प्रयास करूँगी और सबको एक जोड़ने का भी प्रयास करूँगी। तो अब मैं एक बार बिना किसी रुकावट के इस निबंध को पढ़ती हूँ ताकि आप एक बार ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं कि किस भाव से मैं इस निबंध को लिखी हूँ तब तक आप एक अच्छा निबंध लिख नहीं पाएंगे। साथियों आपको तमाम प्रकार के फैक्ट आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन निबंध लिखने का सबसे बेहतर विकल्प होता है कि आप निबंध में अपनी आत्मा को, अपने भाव को, अपने चरित्र को प्रस्तुत करें कि आप में एक प्रशासक बनने की योग्यता है। तो साथियों मैं पुनः इस निबंध को बिना किसी रुकावट के पढ़ती हूँ इस उद्देश्य के साथ कि आप इस निबंध के भाव को समझेंगे और उस भाव को समझते हुए एक बेहतर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस जो टाइप वन का है तो मैं आरंभ करती हूँ पहले लाइन से, पर्यावरण का अब करना होगा संरक्षण नहीं तो प्रदूषण कर लेगा हम सबका भक्षण। अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन की तमाम आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण हमें जीवन भर निस्वार्थ भाव से हमारी सुख समृद्धि एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, साथ ही हमारे समाज एवं देश के हितों के लिए लगातार कार्य करता है। बावजूद हम सभी लगातार पर्यावरण का अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं। क्या इस प्रकार का दोहन उचित है? क्या हम यूं ही पर्यावरण का दोहन करेंगे तो क्या हम आने वाले समय में अपने सुख समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? एक समय था कि हम निःशुल्क स्वच्छ जल का सेवन कहीं पर भी कर लेते थे लेकिन अब स्वच्छ जल के लिए हमें अपना धन व्यय करना पड़ रहा है। यूं ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में हमें स्वच्छ वायु लेने के लिए धन व्यय नहीं करना होगा? जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण का दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है तो क्या यह विषय चिंतनीय हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? तमाम इस प्रकार के प्रश्न मन में उमड़ रहे हैं जिससे एक भय उत्पन्न हो रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह विषय सोचनीय है। आज वह वक्त हमारे पास दरवाजा खटखटा रहा है कि यदि अब हम नहीं संभलेंगे तो कल हमें संभलने का समय नहीं मिल पाएगा। पर्यावरण का आव करें संरक्षण नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा हम सबका भक्षण। अब वक्त आ गया है कि हम प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पैनी नजरों के द्वारा कार्य करें, उन सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करें जिन कारणों से पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक चिमनियों, फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलते धुआं तथा दफ्तरों, घरों में विविध उपकरणों से निकलने वाले गर्म वाष्प, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा, ताप बिजली घर, उपभोक्ता वाली संस्कृति के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों कारण वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु वन विनाश, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण के रूप में गिना जा सकता है, जिसके परिणाम के रूप में हम देख रहे हैं कि आज लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है जिसके कारण मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि से बाढ़, भूस्खलन,
भूमि अपरदन जैसी समस्या के साथ जल की गुणवत्ता व आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। जल स्रोतों के वितरण पर लगातार गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के जल स्रोतों की अधिकता देखी जा रही है तो मध्य एशिया व निम्न अक्षांशों में जल की कमी अभी से दिखनी आरंभ हो गई है। लगातार हमारे द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से वनों के अतिरिक्त दोहन के कारण जीवों की संख्या में कमी, उनके विलुप्त होने तथा नए जीवों के प्रवेश से जैव विविधता में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। मानव द्वारा पारिस्थितिकी के अनुकूल गतिविधियों को संचालित नहीं करने के कारण निकट भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या काल का गाल बनेगा। कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो हम बेकार मौत मरेंगे। कुल मिलाकर आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं हमारी स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन शैली भरे प्रदूषण ने धरती मैया को लगातार दीमक की तरह खोखला बना रहा है। यदि अब हम सचेत नहीं हुए तो फिर हमें दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। हम सबको आज ही अपने आप से यह शपथ लेना होगा कि पर्यावरण को हम सब मिलकर रखेंगे स्वच्छ और प्रदूषण का करेंगे अंत। हर्ष की बात है कि आज पर्यावरण प्रदूषण समस्या को दूर करने के लिए विश्व के अनेक देश के साथ साथ भारत द्वारा समग्र प्रयास किया जा रहा है। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण समझौता, वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय आर्थिक राजनीतिक संघों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आज विश्व के देश, चाहे वह विकसित हो अथवा विकासशील, ग्रीन तकनीक को तरजीह दे रहे हैं, वही प्रदूषण की समस्या से लगातार अवगत हो रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में हमारे देश भारत का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में कदम उठाया गया है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण व निवारण अधिनियम, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य समेत तमाम कानून, नियम, अधिनियम, योजना, कार्यक्रम, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है तथा किया जा रहा है ताकि हम इस विकराल समस्या से निपट सके। नीति आयोग द्वारा लगातार प्रदूषण समस्या को दूर करने के लिए अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार तथा तमाम राज्यों सरकार द्वारा बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। जो स्टार्टअप योजना और मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत पर्यावरण प्रिय तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें विशेष सुविधा दी जा रही है। साथ ही आज भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तमाम स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों समेत उन तमाम समितियों संस्थाओं को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है जो पर्यावरण के सतत विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। भारत विश्व का वह अद्भुत देश है जहां पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अलग से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। हर्ष की बात है कि आज प्रत्येक देशवासी पर्यावरण समस्या को जानने समझने लगे हैं कि कैसे लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हम हो रहे हैं। अब जरूरत है कि हम सभी को जागरूक होना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमें अब प्रत्येक दशा में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जन जन को यह संदेश भी देना होगा कि आओ एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। एक एक जल के बूंद को हम बचाएंगे, सबके जीवन को सुरक्षित बनाएंगे, शोर शराबा नहीं मचाएंगे। हम सब अब ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाएंगे, वायु प्रदूषण को दूर भगाएंगे, अपने देश में पर्यावरण भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। कुल मिलाकर हमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को न सिर्फ बल देना होगा बल्कि आम जनता को इन नियमों आदि के बारे में जागरूक करके सतत विकास की संकल्पना को साकार करना होगा। वह दिन दूर नहीं है जब हम पर्यावरण संरक्षण संदेश को जन जन तक उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण को चरितार्थ करेंगे। और इस प्रकार आपने सुना, देखा कि किस प्रकार इस निबंध के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व के संबंध में परीक्षण करवाएं कि मेरे में ही वह क्षमता है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो साथियों, इस प्रथम प्रकार के निबंध में मैं आपको बताई कि एक स्लोगन के माध्यम से, एक रचना के माध्यम से आप एक अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे। अगले निबंध में मैं इसी निबंध को दूसरे प्रकार से लिखने के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको उन तमाम चीज़ों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगी ताकि आप एक बेहतर निबंध लिख सकें कि पैराग्राफ की क्या भूमिका होती है,
स्लोगन की क्या भूमिका होती है, कानून संविधान आदि की जानकारी की क्या भूमिका होती है। साथियों, इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।